आज राज्य के मुख्यमंत्री ने जो आरक्षण के बारे में, मराठा आरक्षण के बारे में और राज्य में कई जातियां जो है उनको भी आरक्षण चाहिए उसके बारे में जो जवाब दिया, वो जवाब से एक बात स्पष्ट होती है कि राज्य के सरकार को आरक्षण देना नहीं है और महाराष्ट्र को ऐसी जलते रखना, यही राज्य सरकार का प्राथमिकता ऐसी वहाँ पे समझ में आता है। सच में अगर राज्य सरकार को आरक्षण देना है तो उसका एक ही रास्ता है, जाति निहाय जनगणना करना और उसी के आधार पर मराठा ही नहीं तो कोड़ी है, धनगर है, गोवारी है, अल्बा है, ऐसे कई जातियां महाराष्ट्र में है, सबको अपन न्याय दे सकते हैं जो आरक्षण के प्रतीक्षा में है और कई जातियां हैं। तो मेरा यही कहना है कि आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया है वो जवाब से रास्ता नहीं खुलेगा। उन्हें हम ये जाति को ये पैकेज देंगे, वो पैकेज देंगे, ऐसा ही भाषण था, आरक्षण के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी और सरकार नहीं चाहती कि महाराष्ट्र ऐसी, महाराष्ट्र में जो आज आग जल रही है वो बुझाने की कोशिश सरकार नहीं कर रही है, ये महाराष्ट्र के लिए बहुत तकलीफदायक चीज है। आज आरएसएस ने जो कहा है कि जाति निहाय जनगणना नहीं होने देंगे, तो इसका मतलब है कि ये सरकार उस विचारधारा की है और आरएसएस कहेंगे उसी आधार पर चलेंगे तो ये संविधानिक नहीं हो सकता। जाति निहाय जनगणना यही आरक्षण का मूल है और वही सरकार को करना पड़ेगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ वन न्यूज को फॉलो कीजिए।